हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार। आप देख सकते हैं नज़ारा, आज संपूर्ण भारत बंद है और उस पर आज जो भी बंदी है उस पर बोलेंगे कि मतलब क्यों बंद है, आपको पता है? बंदी है इसलिए कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है और एक्सीडेंट में मृत्यु ज़्यादा हो रही है, इसलिए ड्राइवर पर जो हर्जाना मिला है देने का, ये ऑनर ही दे सकता है। ड्राइवर का क्या गलती हो सकता है? लोगों में परेशानी बढ़ रही है और सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि टेम्पो चालक एक उम्र सीमा निर्धारित करे। जिस तरह के आधार कार्ड में है, वोटर कार्ड में है 18 वर्ष के बाद, तो 18 वर्ष के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए और चलाने की अनुमति दी जाए। और ड्राइवर का पेमेंट कितना होगा? 10 से 20 हज़ार। तो वह 10 लाख कहाँ से देगी? ऑनर दे सकता है, ड्राइवर की क्षमता नहीं है। बस इतना ही तो बोलना चाहूँगा। आज जो बंदी है सर, मतलब कि उस पर कुछ बोलिए। हमने बोले, आप भी नहीं बोलिए, आप लोग कोई बोलेंगे? आज जो बंदी इस पर बोलिए कुछ, क्योंकि ये देखिए ये आप लोग के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर नहीं बोलिएगा तो फिर सिर्फ मन ही में सोचिएगा कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो कैसे होगा? आज जो बंद है कुछ बोलिए। क्या बोले? आज जो बंद है, गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है, जो हड़ताल है, इस पर बोलिए। हम अभी आए हैं बाइक से। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बाइक से आए हैं, लेकिन आज जो है आम जनता को बहुत परेशानी हुआ है और आज मतलब कि इतना परेशानी का सामना हुआ है। ड्राइवर लोगों को कहना है कि 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे, तो ये तो गंभीर समस्या है। और इधर आइए, इधर आइए। आज जो संपूर्ण भारत बंद है, जो रोड जाम है, इस पर कुछ बोलिएगा। गाड़ी घोड़ा वाला बता सकता है ना? हाँ, चूंकि हम तो दुकानदार हैं। मतलब अच्छा, आम पब्लिक को आज क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ, बहुत परेशानी हुआ, बिजनेस हम लोग का ठप हो गया। और क्या कहता है ये जो हड़ताल है, क्या लग रहा है ना सही में कि क्या कहता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो गरीब आदमी 7-8 हज़ार रुपया कमाने वाले, 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल का सजा, क्या ये सही हो रहा है? सही हो रहा है। आप कुछ बोलिए सर।